दोस्तों जोहार। मैं योगी सर, पूर्व की भांति भारत में राष्ट्रवाद को, जो आपके एनसीईआरटी क्लास 10वीं के अंतर्गत आती है, उसे लेके आया हूँ। और आशा करता हूँ कि पूर्व की भांति ही आप इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करेंगे, ताकि हमारे दोस्तों को फायदा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इसका फायदा उठा सके। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें भारत के जो राष्ट्रवाद के उदय है और गांधी जी के आगमन है, उनसे संबंधित हम सभी बातों की चर्चा कर रहे हैं। क्लास 10वीं की जरूर यह पुस्तक है, परंतु ये आपको झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड के तमाम परीक्षाओं, साथ ही साथ भारत में होने वाले किसी भी प्रकार के परीक्षा में ये सामान्य रूप से उपयोगी होते हैं। इनका जो पॉइंट है उसे मैं हाईलाइट भी करूंगा साथ ही साथ, ताकि आपको एहसास हो कि ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लोग वैसे गाइड्स को पढ़ना पसंद करने लगे हैं जो कि सिर्फ वन लाइनर होते हैं, लेकिन इससे आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है। आपकी कंसेप्ट बनती है जब आपको सब्जेक्ट की बढ़िया से पकड़ो, और सब्जेक्ट को बढ़िया से पकड़ने के लिए सबसे उत्तम सोर्स जो है वो आपका एनसीईआरटी की किताब है। हमारे एनसीईआरटी के किताब में वे सारी चीज़ें दी गई है जो आपको वन लाइनर नोट्स में नहीं मिलेंगे। इसलिए आप सभी को कोशिश करनी चाहिए कि एनसीईआरटी की बुक को बढ़िया से पढ़ें और उससे एक अपने अंदर ऊर्जा लाएं और खुद से अपना नोट्स तैयार करें। यह ऐसा विषय है जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। आप लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने जा रहे हैं, विषय की समझ आपको होनी चाहिए, ताकि आप कभी अगर प्रश्न छोटे में पूछा जाए तो उसे समेटने की भी ताकत आप में होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर लॉन्ग आंसर में आ जाए तो आप इसे विस्तृत करके लिख सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले टॉपिक को अच्छे से जानना जरूरी है। तो हमने इसके पहले ही जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन है उसके बारे में कुछ चर्चा की थी, जो मेरे पूर्व वीडियोज में है। अब आगे हम इसका एनसीईआरटी के आधार पर पाठ प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि इसमें आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ मिल जाते हैं। उस चीज़ को मैं हाईलाइट भी करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपका प्रश्न जो है छूटे नहीं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं क्या थी? असहयोग खिलाफत आंदोलन जो है वो जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया था, लेकिन उनके लिए स्वराज का अर्थ अलग अलग थे। शहरों में आंदोलन। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी, ध्यान रखें, गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश करके ही उन्हें अधिकार मिल सकता है, जो कि सामान्य रूप से अभी केवल ब्राह्मणों को ही मिला हुआ। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। प्रश्न पूछा जाता है, किस पार्टी ने प्रांतों का जो परिषद चुनाव थे उसका बहिष्कार नहीं किया था? तो आंसर जस्टिस पार्टी होगा। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921-22 के बीच 1921-22 के बीच
ध्यान रहे कि विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत जो 102 करोड़ थी घटकर 57 करोड़ रह गई थी। पूरे सारे स्थानों में व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग या आयातित कपड़े छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन बढ़ने लगा। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उसका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखने लगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह का क्या प्रभाव था? शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए थे। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला भी लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उन्हें समझाने का प्रयास भी किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। ध्यान रहे, अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहराने लगे। बोल रहा कुछ और जा रहा था, समझा कुछ और जा रहा था, किया कुछ और जा रहा था। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश को स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के गुड़ेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्र की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार बड़े जंगलों में लोगों की दाखिला होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इस जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा में थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था बल्कि उन्हें लगता था कि परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। इनका नेतृत्व करने वाले आलूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उसके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, मतलब गॉड गिफ्टेड पावर।
वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते थे, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व में चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। बगानों में स्वराज। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम में बगानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते, जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उसके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, याद रखेंगे 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और यह इजाजत उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बगान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हरेक को गांव में जमीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई। इस स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षा और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रमों में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उसके लिए यह एक युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित। सविनय अवज्ञा की ओर। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों ने व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, 1919 के, इसमें गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू परिषद की राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमतियों के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर से बदल दी थी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी, जो कि 1930 के बाद पूरी तरह धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा। किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाकों में भारी उथल पुथल से गुजरने लगे। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग का भारत में
संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। 1928 में कब पहुंचा भारत पूछा जाता है। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से उनका स्वागत किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने का ऐलान कर लिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई, लेकिन कोई समय सीमा निश्चित नहीं की कि कब देंगे, लेकिन देंगे। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव में कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगे था। उदारवादी और मध्यमार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की अनौपचारिक रूप से घोषणा कर ली। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब? 26 जनवरी 1930 को लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार रोजमर्रा की जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी कोई और रास्ता ढूंढना था। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा और उन्होंने 11 मांगे रखी। इसमें से कुछ असामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर, सबसे महत्वपूर्ण मांग क्या था? नमक कर्म को खत्म करने। नमक एक ऐसी पदार्थ है जो अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। महात्मा गांधी ने यह पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था, जिन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने के लिए तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नमक नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म। 78 विश्वसनीय वॉलंटियर, 240 किलोमीटर साबरमती आश्रम से दांडी। गांधी जी की टोली में 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी के स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों से शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेज का कहा न माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल कर 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबाल कर यह कानून का उल्लंघन किया। ध्यान रहे 6 अप्रैल को। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का असहयोग करना था, बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए।
आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की जा होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानून का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों के चराने के लिए आरक्षित वनों में भी घुसने लगे। आज भी आरक्षित वनों में घुसना मना है। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के समर्थक जोते खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया। बता दें दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी भी कहा जाता। तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस को गोलियां का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता पर दस्तखत कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने में अपनी सहमति व्यक्त कर दी। यानी कि गांधी जी अब 1931 के गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आकांक्षाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 आते आते इसकी गति मंद पड़ने लगी। लोगों ने इस आंदोलन को कैसे लिया? सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस भी कहीं कहीं लिखते हैं, वो भी चलता। विभिन्न सामाजिक समूह कौन थे जिन्होंने आंदोलन का हिस्सा क्यों लिया? उनके आदर्श क्या थे? उसके लिए स्वराज के क्या मायने थे? गांवों में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। जब उन्होंने नगद आय खत्म होने लगी, उसके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उसके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी, लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुत से किसानों ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों के पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। महामंदी लंबी खींची और नगद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों का जो भाड़ा चुकाना पड़ रहा है उसे माफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलन में हिस्सा लिया जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्ट के हाथों में। अमीर किसानों और जमींदारों को नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी? उन्होंने सविनय आंदोलन बारे में क्या रुख अपनाया? पहले विश्व युद्ध के दौरान व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और
में ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उन्हें व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात को बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं औद्योगिक परिसंघ फिक्की का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों ने नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार का औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं थी और व्यापार व औद्योगिक निर्वाध ढंग से फल फूल सके। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद हो गया। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थिति के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर में तीन कारखानों में हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रहे थे। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतों ने उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया और विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों का पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जाति महिलाएं सक्रिय थे जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए समय पर कांग्रेस संगठन ने इससे भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह नहीं दी। इस सेंटेंस को याद रखेंगे, कभी कभी पूछ दिया। कांग्रेस उसकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी ले रही थी। सवर्णीय अवज्ञा की सीमाएं। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र को अछूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया अस्पृश्यता छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी कि ईश्वर का संतान बताया। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मैला ढोने वाले के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। उन्होंने ऊंची जातियों से आह्वान किया कि वे अपना हृदय में परिवर्तन करें, अस्पृश्यता पाप को छोड़े। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे थे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कही।
ताकि वहां से विधायी परिषदों में केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर पर दिखाई देती है जहां उनका संगठन काफी डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में डॉक्टर अंबेडकर भीमराव अंबेडकर 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद भी हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी अमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उसके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर और अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और पूना पैक्ट में हस्ताक्षर कर दिए। इससे दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उसके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था, फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता। भारत के कुल मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन शांत पड़ जाने के बाद मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस किया। 1920 के दशक के मध्य कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे शहरों में दंगे भी होने लगे, सांप्रदायिक टकराव होने लगे और दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर था। मुस्लिम लीग के नेता में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ने के लिए तैयार। प्रतिनिधित्व के सवाल पर बहस मुआसिहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के एम आर जयकर इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों को खुलेआम निंदा करना शुरू कर, जिससे उस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत के अल्पसंख्यक मुसलमान हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यक की संस्कृति की पहचान हो जाएगी। सामूहिक अपनेपन की भावना। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोगों ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ। राष्ट्र के लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है, विभिन्न समुदाय क्षेत्रों और भाषाओं में संबंध, अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन की भाव कैसे विकसित किया, इस बारे में बात करते हैं। सामूहिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों से चलते हुए पैदा हुई। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं भी थी जिसके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व चित्र, गीत व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने के लिए अपना योगदान दिया था। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अगर अंकित की जाती है तो इससे लोगों की एक ऐसी छवि करने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ पहचान भारत माता की छवि के इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था।
1870 के दशक में उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बांग्लादेश स्वदेशी आंदोलन, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। भारत माता की विख्यात छवि चित्रित किया गया, जिस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया। वह शांत गंभीर देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकारों ने यह तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती रही। इस मातृ छवि की प्रति श्रद्धा राष्ट्रवाद की आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। मातृ देवी की छवि जो है, पिक्चर जो है, श्रद्धा और राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाने लगा। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों और चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज कराना शुरू किया। वे लोक गीतों जनश्रुतियों की इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियां हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने के और अपने अतीत के गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचा कर रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविन्द्रनाथ टैगोर के लोक कथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती है, यह लोगों की असली विचारों की विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उसे राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज्यादा जागरूक होते हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया, जिसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया। यह भी तिरंगे सफेद, हरा और लाल था। इसके मध्य गांधीवादी प्रतीक चरखों को जगह दी गई, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने और भारतीय इतिहास के अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे, जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते। इसके जवाब में भारत के लोगों ने अपनी महान उपलब्धियों को खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया, जब कला और वास्तुशिल्प विज्ञान और गणित जब कला और वास्तुशिल्प विज्ञान गणित धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन के समय आया और भारत इस राष्ट्रवादी इतिहास के पाठकों को अतीत में भारत की महान उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन की दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया जाता था। लोग एकजुट करने की कोशिश में अपनी समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वह हिंदू प्रतीत थे। इसलिए अन्य समुदायों के लोग अलग थलग महसूस कर। निष्कर्ष क्या था इस चैप्टर का? अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों के स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता का संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हम देखने देखा, इस आंदोलन
में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समुदाय समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांग के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव के आंतरिक टकरावों के चरण आ जाते हैं। संक्षेप में जो राष्ट्र उभर रहा था वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की इच्छा रखने वाली बहुत सी आवाजों की पूंज थी। धन्यवाद दोस्तों, आगे पाठ चर्चा के बाद प्रश्नोत्तर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तब इन सभी प्रश्नों का चर्चा करूंगा और सभी प्रश्नों के उत्तर में लिखा दूंगा, ताकि आप किसी भी परीक्षा में जाएं आपको कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जब शुरू करें तो लास्ट तक देखें, ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके विषय के बारे में। और कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप रेगुलर रहें और वीडियो को कंप्लीट देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।